नमस्कार दोस्तों मैं नाम शिवनाथ कुमार है अभी आप देख रहे हैं शिवनाथ इन्फो यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि आपके पैन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और कौन सा ईमेल आईडी लिंक है अपने ही मोबाइल से पता कर सकते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मोबाइल का एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा जो भी ब्राउजर आप चलाते होइएगा जैसे कि क्रोम ब्राउजर चलिए हम यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लिए और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे देखिए यू टी आई लिख केयर के यहाँ पर यू टी आई पेन लिख करके सर्च कर देंगे अगर आपका एन एस डी एल से पैन कार्ड बना रहेगा तो आप एन एस डी एल पेन लिखिएगा चाहे एन एस डी एल भी लिखिएगा तो भी हो जाएगा तो चलिए हम यहाँ पे यू टी आई से मेरा पैन कार्ड बना हुआ है इसलिए यू टी आई पेन लिखे हैं अगर आपको पता करना है कि मेरा पैन कार्ड किस वेबसाइट से बना हुआ है तो आप लोग पैन कार्ड के पीछे देख सकते हैं लिखा रहता है किस कीश भी किसी भी वेबसाइट से बना रहता है तो वहाँ पे बैक में लिखा रहता है पैन कार्ड के बैक में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे यू टी आई पेन कार्ड से बनाए हुए हैं तो चलिए यहाँ पे यू टी आई पेन लिख करके सर्च कर देंगे और यहाँ पे देखिए यू टी आई का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आगे हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों थोड़ा हम नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए पैन कार्ड सर्विस लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक करने का देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा थोड़ा हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे देखिए डाउनलोड ई पेन लिखा हुआ है और नीचे में क्लिक टू डाउनलोड हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने का देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल कर के आ जाएगा और यहाँ पर देखिए पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है सबसे ऊपर में और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ का महीना और ईयर डालना है चलिए हम यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं और महीना और ईयर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जी एस टी नंबर छोड़ देना है और यहाँ पे देखिए जो कैप्चा दिख रहा है नीचे वाले बॉक्स में हम कैप्चा डाल देंगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे चलिए हम आप पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में देखिए पैन कार्ड का नंबर दिख रहा है आपको और यहाँ पे देखिए नीचे में बीच में मोबाइल नंबर दिख रहा है यहाँ पे लास्ट का दो अक्षर तीन अक्षर और शुरू का दो अक्षर दिख रहा है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर में मेरा शुरू का इतना है और लास्ट का इतना है और यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी ईमेल आईडी का यहाँ पे देखिए शुरू का तीन अक्षर दिख रहा है और यहाँ के देखिए बीच में जो अंक दिए रहते हैं वो दिख रहा है आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ईमेल आईडी मेरे पैन कार्ड में लिंक है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा और इससे आगे का प्रोसेस इसलिए दिया गया है आप लोग यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आई एग्री पर टिक लगा दीजिएगा और यहाँ पर देखिए ओनली ई और ओनली एस या देखिए बथ ई एंड एस लिखा हुआ है आप अगर ईमेल पर और ए... और मोबाइल पर मैसेज भी मंगवाना चाहते हैं तो पहले वाले पर टिक लगाने रहने दीजिएगा और यहाँ पे ओनली ईमेल पर ओ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली ईमेल पर टिक लगा दीजिएगा और अगर मैसेज में ओ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली मैसेज पर टिक लगा दीजिएगा चलिए हम आपको यही बताने वाला था कि ई मेल और मोबाइल नंबर कैसे पता करेंगे इसलिए हम इतना ही आपको बताएँगे अगर आपको जानना है कि पैन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं और अपना पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं ऐसा है कि वीडियो देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पैन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और कौन सा ई मेल लिंक है वो अपने ही मोबाइल से चेक कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को दबा करके ऑल कर पर क्लिक कर ताकि किसी प्रकार का कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आप तक पहुंचे पहुँचेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में जय हिंद दोस्तों